नवी मुंबई में 28 अगस्त को 408 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा 24,993 तक पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव केसों का आंकड़ा 3,421 तक पहुंच चुका है। नवी मुंबई हाइलाइट्स, बता दें कि नवी मुंबई में आज फिर कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने 400 का आंकड़ा पार कर लिया है। और बता दें कि आज नवी मुंबई में लगातार 5 दिनों का रिकॉर्ड फिर कायम करते हुए आज सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज नेरुल विभाग से पाए गए। रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड आरटीपीसीआर टेस्ट फॉर कोविड-19, बता दें कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की कुल संख्या 74,006, रैपिड एंटीजन टेस्ट की आज की संख्या 1,122, आरटीपीसीआर टेस्ट की कुल संख्या 49,711, कुल कोरोना जांच की संख्या 1,23,717। ऑल इज वेल, आज नवी मुंबई के लिए ऑल इज वेल ये रहा कि 348 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज कर दिए गए और इसी के साथ कोरोना मुक्त व्यक्तियों की संख्या में हुआ इजाफा और आंकड़ा पहुंचा 21,001। कोरोना वायरस इन किड्स, बता दे कि आज 10 साल और उससे कम उम्र के कुल 20 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आज 0 से 10 साल के एज ग्रुप में आज कितने बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि एरोली से आज 1 लड़की और बेलापुर से 2 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई। घनसोली से 1 लड़की, 2 लड़के कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोपरखैने से 2 लड़के कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नेरुल से 3 लड़कियां, 1 लड़का कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रवाली से 1 लड़की कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सीवुड से 1 लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वाशी से 2 लड़की, 3 लड़के कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि तुरबे से आज 1 लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बता दें कि कोपरखैने में 6 वर्षीय 1, 7 वर्षीय 1 और एरोली से 2 वर्षीय 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बेलापुर से 2 वर्षीय 1, 8 वर्षीय 1, वहीं घनसोली से 3 वर्षीय 2 और 1 वर्षीय 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वाशी की तरफ पढ़े तो 2 वर्षीय 2, 5 वर्षीय 1, 6 वर्षीय 1 और 8 वर्षीय 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि नेरुल में 5 वर्षीय 1, 9 वर्षीय 1 और 1 वर्षीय 2 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। रबाले से 9 वर्षीय 1, तुरभे से 1 वर्षीय 1 और सीवुड से 5 वर्षीय 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बता दें कि डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल है बेलापुर से 26 महिलाएं, 31 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। नेरुल से 24 महिलाएं, 22 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। वाशी से 9 महिलाएं, 12 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। तुरभे से 19 महिलाएं, 42 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। कोपरखैने से 15 महिलाएं, 30 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। घनसोली से 18 महिलाएं, 39 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। एरोली से 9 महिलाएं, 33 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, जबकि दिघा से 12 महिलाएं और 7 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि आज नवी मुंबई में कहां कहां से पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। बता दें कि एरोली से 52, कोपरखैने से 64, बेलापुर से 35, घनसोली से 60, जुईनगर से 3, नेरुल से 87, रवाले से 11, सानपाड़ा से 9, सीवुड से 15, तुरभे से 7 और वाशी से 65 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। बता दें कि आज एरोली सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 16 से 4, सेक्टर 19 से 2, सेक्टर 2 से 7, सेक्टर 3 से 10, सेक्टर 4 से 5, सेक्टर 5 से 2, सेक्टर 7 से 7, सेक्टर 8 से 6, सेक्टर 20 सी से 3, सेक्टर 8 ए से 3, चिंचपाड़ा से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं सानपाड़ा की तरफ बढ़े तो सेक्टर 1 से 3, सेक्टर 10 से 1, सेक्टर 11 से 1, सेक्टर 14 से 1, सेक्टर 19 से 1 और सेक्टर 4 से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। तुरभे की तरफ बढ़े तो तुरभे सेक्टर 21 से 2, सेक्टर 22 से 1, हनुमान नगर से 1, तुरभे गांव से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। कोपरखैने की तरफ बढ़े तो कोपरखैने सेक्टर 1 से 5, सेक्टर 10 से 4, सेक्टर 11 से 4, सेक्टर 14 से 1, सेक्टर 16 से 1, सेक्टर 19 से 5, सेक्टर 2 से 2, सेक्टर 20 से 1, सेक्टर 4 से 2, सेक्टर 5 से 7, सेक्टर 6 से 3, सेक्टर 7 से 4, सेक्टर 8 से 3, सेक्टर 9 से 2, सेक्टर 12 से 6, सेक्टर 18 से 1, सेक्टर 19 सी से 1, पौने से 5, सेक्टर 19 ए से 4, सेक्टर 12 ई से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। जुईनगर की तरफ बढ़े तो जुईनगर सेक्टर 24 से 2, सेक्टर 25 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया, जबकि बेलापुर सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 3 से 1, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 5 से 2, सेक्टर 8 से 3, सेक्टर 9 से 1, सेक्टर 14 से 1, सेक्टर 19 से 1, सेक्टर 20 से आज 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं सेक्टर 21 से 1, करावे से 4, अगरोली गांव से 1,
बेलापुर गांव से दो, सेक्टर 21 22 से दो, 8 बी से एक, सेक्टर ए के से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। रवाले की तरफ बढ़े तो कातकरी पाड़ा से 6, रवाले से 1, नौसिल नाका से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। वहीं सीवोड सेक्टर 48 से 6, सेक्टर 42 से 1, सेक्टर 27 से 2, सेक्टर 40 से 3, सेक्टर 42 ए से 2, सेक्टर 58 से आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। नेरुल की तरफ बढ़े तो नेरुल सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 10 से 7, सेक्टर 11 से 6, सेक्टर 13 से 1, सेक्टर 14 से 1, सेक्टर 16 से 6, सेक्टर 16 ए से 1, सेक्टर 19 से 5, सेक्टर 20 से 7, सेक्टर 21 से 4, सेक्टर 24 से 1, सेक्टर 3 से 4, सेक्टर 4 से 4, सेक्टर 6 से 6, सेक्टर 8 से 7, सेक्टर 9 से 2, शिरौने से 5, कुक्षेत से 2, सारसोले से 2, सेक्टर 18 से 2, सेक्टर 28 से 3, सेक्टर 38 से 1, सेक्टर 19 ए से 3, सेक्टर 40 से 2, सेक्टर 18 ए से 1, सेक्टर 42 ए से 1, दरावे से आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। वाशी की तरफ बढ़े तो वाशी सेक्टर 2 से 2, सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 9 से 12, सेक्टर 15 से 4, सेक्टर 16 से 3, सेक्टर 17 से 5, सेक्टर 7 से 3, सेक्टर 29 से 5, सेक्टर 4 से 3, सेक्टर 10 से 4, सेक्टर 14 से 1, सेक्टर 18 से 1, सेक्टर 26 से 6, सेक्टर 3 से 4, सेक्टर 12 से 2, सेक्टर 11 से 1, सेक्टर 31 से 2, जुहू गांव से 2, कोपरी गांव से 1, वाशी गांव से 2, सेक्टर 31 ए से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। घनसोली की तरफ बढ़े तो घनसोली सेक्टर 1 से 11, सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 9 से 7, सेक्टर 15 से 2, सेक्टर 16 से 1, सेक्टर 7 से 13, सेक्टर 5 से 4, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 3 से 2, सेक्टर 21 से 1, चिंचाली से 1, घनसोली गांव से 6, महात्रियाली से 4, नवघराली से 2, गोठीवली से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन से एज ग्रुप में आज सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। बता दें कि 0 से 10 साल के एज ग्रुप में आज 20 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 11 से 20 साल के एज ग्रुप में 31, 21 से 30 के एज ग्रुप में 83, 31 से 40 की एज ग्रुप में 102, 41 से 50 की एज ग्रुप में 72 और 50 से अधिक की एज ग्रुप में 100 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। दुखद घटना, आज नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण से कुल 7 लोगों की मौत के साथ कोरोना संक्रमण से मृत्यु का कुल आंकड़ा बढ़कर 571 तक पहुंच चुका है। मृतकों में शामिल है सेक्टर 15 वाशी 55 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत, सेक्टर 10 वाशी 65 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत, वाशी सेक्टर 14 66 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 48 नेरुल 55 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत, सेक्टर 22 कोपरखैरने 58 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 3 ऐरोली 60 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत, दिघा 65 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत। तो चलिए डालते हैं अब आंकड़ों पर नजर। कुल कोविड 19 टेस्ट जनसंख्या 123,717, कोरोना पॉजिटिव केस 28 अगस्त 2020 यानी आज 408, कोरोना की कुल पॉजिटिव केस 24,993, कोरोना की एक्टिव केस 3,421, क्वारंटाइन का समय पूरा करने वालों की संख्या 295,535, कोरोना जांच में पाए गए कुल नेगेटिव केस 29,648, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 21,001, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 28 अगस्त 2020 यानी आज 348, रिपोर्ट प्रलंबित 549, कोरोना मृत्यु का कुल आंकड़ा 571 और आज कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा दर्ज किया गया 7। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मिनट वर्क।